अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भैया, इस फोटो में ना आपके स्टूडियो का नाम लिखा है, क्या आप बता सकते हैं कि ये फोटो आपके स्टूडियो से ली गई है? जी हाँ, ये तो हमारे यहाँ स्टूडियो की फोटो है। क्या आप इन हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये कब आए थे या फिर आपस में इनके बीच में क्या बातचीत हो रही थी? मैडम, दूसरों की बातें नहीं सुनते, सिर्फ फोटो खींचते हैं। पर ये दोनों कब आए थे? मैडम, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे क्या मालूम हुआ कि कौन कब आया था। भैया, लेकिन आपने अपने ये कंप्यूटर में डिटेल सेव की होंगी ना, एक बार देखकर बता दीजिए। मैडम, आप पुलिस में है क्या? तो मेहरबानी करके मेरे साथ टाइम पास मत कीजिए ना। भैया प्लीज, बस 2 मिनट लगेगा, आप देखकर बता दीजिए ना। यहाँ बहुत सारे फोटो है, पर्सनल फोटोज भी है, मैं कैसे चेक करके आपको दिखाऊँ? मुझे इस फोटो कॉपी का प्रिंट चाहिए। हाँ, हो गया, मैं प्रिंट आउट करके देता हूँ। अब हम क्या करें, कैसे सच तक पहुँचे बोले ना। ये कंप्यूटर कैसे हैंग हो गया? भैया, हमें ये वाला फोल्डर देखना है, प्लीज दिखा दीजिए। ये कंप्यूटर हैंग हो गया है, एक बार देखिए ना। देखिए चालू हो गया, बस 2 मिनट लगेगा, प्लीज देखने दीजिए। लेकिन हाँ, 2 मिनट। हाँ, पक्का, थैंक यू। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दूसरे कंप्यूटर से निकाल के देता हूँ प्रिंट। ये दोनों फोटो तो एक जैसी है, ऐसा लगता है कि अमर की पत्नी के साथ जो फोटो थी उस पर बस काया का चेहरा चिपका दिया गया है। तो डेट भी 2-3 हफ्ते पहले की है, तब तक तो खाया और चीजों मिले भी नहीं थे, फिर ये फोटो कैसे? तो मामला ही अलग है, अब बस एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। ये लो कली, तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। शंकु गोलू जी, आप देखिएगा इसे पीकर हमारा बच्चा कैसे लाल लाल पैदा होगा। हाँ कली, वो मिल्क शेक पीने के बाद ये फल भी खा लेना। हाय हाय चाची साची, आपको कितनी फिक्र है हमरी। अब क्या करें, तुम्हारी सास तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए माँ ने अब ये जिम्मेदारी हमें दे दी है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे सोने वाले बच्चे के लिए हो रहा है। हमें ये फल नहीं खाने, हमें इसमें से बहुत ज्यादा महक आ रही है। पहले हम उस गोलमुखी को छेड़ते थे, पीने पीछे में। देखिए गोलू जी, कैसे बोल रही है चाची सास जी। चाची मजाक कर रही है ना? अरे वो तो हम हैं, जो फिर भी कली का इतना ख्याल रख रहे हैं। इसकी सास को तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है। हाय नैया गोलू जी, आप देख रहे हैं ना, हम इस घर को चिराग देने वाले और अमरी सास जी को हमारी परवाह ही नहीं है। अब ऐसी बातों से हमारे होने वाले बच्चे पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा गोलू जी। चाची जी प्लीज, आप तो समझिए। गोलू भी ना बिल्कुल अपनी बीवी की तरह होता जा रहा है। खैर, हमें बहुत सारे काम है, माँ ने हमें और भी काम बताए, हम वो कर लेते हैं जाकर के। तुम ये फल खा लेना और अपना ख्याल रखो। मैं खिला दूंगा, अब जल्दी से मिल्कशेक पियो। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। बाबा, कल हमने आपसे जो वादा किया था उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। दरअसल कल हम आपके बेटे को काम देने के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक सच पता करने आए थे। सच? कैसा सच? ये देखिए, ये हमारी बहन है काया, इसने हमें बताया है कि आपका बेटा अमर इसका पति है। जी, मैं पापा और दादी की सारी दवाइयां ले आऊंगा। जी मां। चाय की दुकान। चाय को पीने का ना एक और तरीका है,
ये देखिए। तुम अपने काम पे ध्यान दे। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे बेटे की तो सिर्फ एक ही लुगाई है। पापा लेकिन यही बात ना हम आपके बेटे के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम उन्हें फोन कर रहे हैं लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे। आप हमारी एक मदद कर सकते हैं? कैसी मदद बेटा? आप हमें कुछ भी ऐसा बता सकते हैं उनकी पसंद नापसंद जिसके सहारे हम उन तक पहुंच पाए। देखिए बाबा, बात सिर्फ आपकी बेटे की जिंदगी की ही नहीं बल्कि हमारी बहन की जिंदगी की भी है। बेटा हमारे बेटे का तो सिर्फ एक ही शौक है, पैसे कमाना। वो जो भी कमाता है वो लॉटरी के टिकट में गंवाता है। थैंक यू बाबा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। थैंक यू। क्या कर रही है? इसका मिस कॉल भी गया था। एक बार इससे बात कर लेता हूं। राधिका। कहिए। I'm sorry. मुझे लगा था राधिका है, लेकिन वो यहाँ क्या करेगी? मैं तुम्हें देखकर चिल्लाया, लेकिन तुमने सुनकर भी अनसुना कर दिया। उस दिन पापा को भी तो ऐसी ही गलतफहमी नहीं हुई जैसे आज मुझे हुई। मामा। मुन्ना तेरे पापा की सांसें तेज हो रही हैं, ये देख। मां रुकिए, मैं आ रहा हूं, पापा की सारी दवाइयां लेके आ रहा हूं। ओके बस मुन्ना आ ही रहा होगा दवा लेके। मैं भी हूं, क्या ही राधिका के बारे में सोच रहा हूं फालतू में, जबकि पापा की इस हालत की जिम्मेदार भी मैं। दिव्यम जी, क्या वो दिव्यम जी थे? बस हम एक बार सच का पता लगा ले, फिर हम अपने परिवार के पास अपने दिव्यम जी के पास लौट जाएंगे। तेरी, अबे हम तो लॉटरी जीत गए। इतनी बार इस नंबर से फोन आया, हमको लगा पुलिस वालों का नंबर है। अबे पर तो लॉटरी जीत गए। अभी फोन करता हूँ उसको। ये तो उसी नंबर से कॉल आ रहा, इसका मतलब अमर जी ने हमारा मैसेज पढ़ लिया। हेलो, जगदम्बा लॉटरी ऑफिस। हाँ हाँ हेलो, हम अमर बोल रहे हैं। अभी आपका मैसेज आया कि हम लॉटरी जीते हैं। जी जी जी, आप लॉटरी जीत चुके हैं।
हमने आपको कई बार फोन करने की कोशिश की लेकिन आप अपना फोन ही नहीं उठा रहे। देखिए आपको अपना प्राइस चाहिए या नहीं? अरे बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चाहिए ना हमको, क्योंकि प्राइस में चमचमाती हुई नई लाल गाड़ी है। अरे सच्ची मैडम, कोई मजाक तो नहीं है ना? देखिए आपकी प्राइस से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स हम आपको मैसेज कर देते हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अपना प्राइस लेना चाहते हैं तो कल सरकारी स्कूल के पीछे वाले खाली मैदान पर आ जाइएगा। खाली मैदान में? मैडम जी देखिए ऐसा है, फेक कॉल बहुत आते हैं हमारे पास, अगर हम सच में लॉटरी जीते हैं तो हमको हमारी लॉटरी का नंबर बताइए। ये तो हम फंस गए, हमारे पास टिकट का नंबर तो है ही नहीं। हेलो, देखिए हम ऐसे जीटीवी लॉटरी का नंबर नहीं बताते हैं, वरना लोग फेक टिकट बनवाकर प्राइस लेने आ जाते हैं। अगर आपको मानना है तो मानिए, वरना मत मानिए, हम आपका प्राइस किसी और को दे देंगे। हेलो 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 मैडम, पता नहीं अमर जी को भरोसा होगा या नहीं। हे भगवान, कल अमर जी आएंगे भी या नहीं? यार ये सच में लॉटरी जीते हैं या फेक कॉल है? अगर कल अमर आने वाला है तो हमें गाड़ी का बंदोबस्त करना होगा, ये खाली मैदान देखकर उसे शक ना हो जाए। हेलो, आपके यहाँ कार रेंट पर मिलती है ना? जी, कल हमें ना एक लाल गाड़ी चाहिए थी। सॉरी मैडम, पर ऐसे तुरंत गाड़ी नहीं मिल पाएगी। अब किसे कॉल करें? ये जमीन नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। स्कूल के जमीन पर मॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। स्कूल के जमीन पर मॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये जमीन नहीं बिकेगी, स्कूल की जमीन पर मॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये जमीन नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। भगवान, यहाँ तो नारे पार्टी चल रही है, अमर जी यहाँ पर आके तो उन्हें शक हो जाएगा कि वो लॉटरी वाला कॉल झूठा था। अब हम क्या करें? जमीन नहीं बिकेगी, स्कूल के जमीन पर बॉल नहीं बनेगा, प्लीज हमारी मदद कीजिए। स्कूल की जमीन का मॉल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। भाइयों, नगर सेवक का मैसेज आया, उन्होंने हम लोगों को मिलने के लिए बुलाया, चलकर उनसे वहीं बात करते हैं। चलो 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 भाई, चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ सब लोग, चलो चलो चलो, वहीं चलकर बात, वहीं चल के बात करेंगे, वहीं बातें होगी, वरना प्रदर्शन वहीं करेंगे, वहीं करेंगे। आ जाओ भाइयों, चलो चलो चलो, सब बात करेंगे। वही सब लोग चले गए। थैंक यू भोलेनाथ, हम जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। आपने फिफ्थ प्राइज जीते, ये लीजिए। आपने तो सेकंड प्राइज जीता है, इसलिए आपके लिए सोने का सिक्का। भैया इसमें ना चॉकलेट है, आप घर जाकर खाइएगा। ये लॉटरी तो असली लग रही है, सब लोग अपना अपना प्राइज लेकर जा रहे हैं। अच्छा हुआ हमने गिफ्ट देने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली थी, अब अमर कहीं छुप के भी देख रहा होगा तो उसे शक नहीं होगा। पर ये लाल गाड़ी कहाँ है? जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक अमर नहीं आएगा। अब हम क्या करें? पर मेरी गाड़ी कहाँ है? वाह,
तो सच में लॉटरी का प्राइज। दीदी ये सब मैं कली के कहने पर कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप इस कार का ध्यान रखना। हाँ हाँ भैया, आप चिंता मत करिए, इसके लिए थैंक यू। मर्ची आएंगे कि नहीं? लगता है इस गाड़ी का विजेता आने नहीं वाला है। वापस ही करनी पड़ेगी हमें ये गाड़ी। अरे आ गए मैडम जी, हम आ गए। हम ही हैं इस पहले पुरस्कार के विजेता। ये गाड़ी हमारी ही है। लाइए चाबी दीजिए, अब शहर से निकलना है। अच्छा लाइए, चाबी दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है अमर जी? साली साहिबा आप यहाँ? कोई रिश्ता नहीं है हमारा। आपको कोई हक नहीं हमें साली साहिबा कहने का। मतलब आपने हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ बुलाया, और ये लॉटरी वॉटरी सब नाटक हमें फंसाने के लिए। पुलिस भी लेकर आए हो क्या साथ में? कहाँ है पुलिस? कहाँ? फिलहाल तो कोई पुलिस नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी। उससे पहले तुम्हें मार देंगे। पहले हम तुम्हें मारेंगे, फिर ये गाड़ी लेकर यहाँ से रफ चक्कर हो जाएंगे। ला चाबी दे दे। नहीं। दे दे चाबी। नहीं कहा ना हम नहीं देंगे। चाबी दे दे वरना मारी जाएगी। दे, दे। नहीं। दे। मुन्ना क्या क्या हुआ मुन्ना? तो ठीक है ना? ऐसे एकदम से भेंट क्यों गिरा दिया? अजीब सी बेचैनी हो रही है। लग रहा है जैसे राधिका किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। मुझे राधिका से बात करनी होगी। मैं ये क्या कर रही हूँ? एक सेकंड मुझे फोन दीजिए, मैं राधिका से बात कर लूंगा, उसका हालचाल पूछ लेता हूँ, फिर मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है? ये मत भूल कि तेरे पापा की इस हालत के जिम्मेदार वो राधिका है। फिर भी तुझे उसके हाल चाल लेने उससे हमें यह उम्मीद नहीं थी मन्ना। खैर तुझे अगर उस राधिका से बात करनी है, ये ले फोन, बात कर उससे। लेकिन उसे फोन करने से पहले एक बार अपने पापा का ख्याल जरूर ले आना। आज तेरे पापा की जो ये हालत है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ और राधिका है। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।